नमस्कार, हम बाने जीत कुमार और सब चालू कर दिल बने निश्चित भोजपुरी देखे। तो भैया भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एगो ऐसन ऐसन गाली गलौज ई अरे मतलब पूछ हम ऐसन देख रहा बने इनकर भैया सकल। इनकर नाम हुए मनी महाराज और इनकर अब फिल्म शूटिंग हो रहा है। फिल्म के नाम वा वेलकम। भैया वेलकम तो इनकरो वा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, लेकिन थोड़ा सा इनकर पिछला पिछला स्टोरी जाके देखम तो मालूम चले कि भैया ये का हो रहा बा, कैसे हो रहा बा। और फिल्मों में का यही तरह के सब चली, इस सब कुछ ए वीडियो में जान लिए। उससे पहले कहाँ कम करी, चैनल बनाया बानी, सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और सब कुछ करके भैया रख दी। चलिए हमके वीडियो को बात कर लिया जो फिल्म का नाम है भैया वेलकम। और वेलकम है ये मतलब मनी महराज के हो रहा बा वेलकम। देखिए मनी महराज के अगर यूट्यूब के माध्यम से आज मतलब फेमस बड़ा ना अच्छा खासा नाम बाटे, भाई के गाना भी आ रहा बाटे, मतलब बतौर एक्टर तो अच्छा खासा वो भी बाटे फाइनली। लेकिन इनकर पिछला अगर सारा वीडियो को रिकॉर्ड उठा के देख ली चाहे अभी उठा के देख ली, अब बहुत सारा शब्द बा हम बोल भी ना सकत नहीं जगबा। ओ तरह के शब्द के इस्तेमाल होला, मार देम, आ देम, का देम, ई गरम, ओ गरम, गणिया मारे, मतलब यार हिपोक्रेसी के सारा सीमा बाटे। और ई सब मतलब कर करके लोग अब हम काहे कर सकें। बाकी फिल्म के मतलब निर्माता माने अभिमन्यु कुमार। अब देखिए अभिमन्यु कुमार के ऐसन काहे लागल कि एक तरह के मतलब स्टार ही समझ लिया एक तरह के यूट्यूब स्टार के अगर हम लेके फिल्म कर दें, हमार फिल्म गर्दा कर ले। भाई अभिमन्यु जी, अब हमके नहीं के पता कि आपके मतलब ए लाइन के ए बिजनेस के चाहे ए फिल्म के कितना बड़का सोच बट, हमके ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं के करे के। लेकिन अब का जे तरह के मनी महराज वीडियो बनावल का वही तरह के शब्द के इस्तेमाल रहा और फिल्म में भी हो, ये सब कुछ देखल इम्पोर्टेंट होकर कहें कि देखी मनी महाराज उहे कुल करत में ठीको लागल। रियलिटी बताओ तनी वही गने के शब्द में वही तरह के अग्रेशन वाला शब्द में बोलत में ठीक लागल। बाकी ए तरह हर से और ही कुछ बोलवाब आकर वास तनी हम तनी देखी यार कि तनी कुछ तो ऐसा लागल। लेकिन अभी तक ओ तरह के हमने के साधारण वाला कोनो ऐसा चीज़ देखले नहीं जा कि शायद फिल्म में ऑप्शन देखे के मिली। ये सब कुछ बहुत कुछ संशय भी रखल बाटे भैया, देखे के भी बाटे। बाकी बता दिए फिल्म के डायरेक्टर, ये फिल्म के डायरेक्टर बड़ान और फिल्म के कहानी भी लिखल बड़ान जो कि पटना से पाकिस्तान बनैले बड़ान संतोष मिश्रा, वो ये फिल्म के कहानी भी लिखल बड़ान और डायरेक्शन भी करो। अब संतोष मिश्रा के देखिए यही से कह जाओ ना, संतोष मिश्रा के एगो दिन रहे कि प्रियंका चोपड़ा के फिल्म के मतलब प्रोडक्शन से फिल्म करते रहो ना, काश्य अमरनाथ जो नाम दिनेश लाल निरहुआ और से रितेश पाय कला सॉरी रवि किशन मतलब ए तरह के बड़का बड़का स्टार लोग रह। लेकिन आज के दिन देखी कि का हो रहा बा, ई का हो रहा बा भैया, ई का हो रहा बा। तब एक बार फिर से संतोष मिश्रा अर्श से फर्श आ चुके बने और फिर फर्श से अर्श पर जाए के प्रयास में एक बार फिर से मेहनत डबल टेबल कर रहा बने। आई बहुत ही काबिले तारीफ कह ली। अब देख बटे कि एगो गाली गलौज वाला स्टार, हाँ गाली गलौज वाला स्टार इनका कह सकते रहा, एगो गाली गलौज वाला स्टार जौन जौन अकेले के आई जे बतौर हीरो में उनकरा के काम करा रहा बने, तो कितना इनकर के गाली गलौज से निकाल के और शानदार फिल्म बनाया। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होके वाला देखल आ बहुत ही खास भी हो सकताटे। तो सच में अब संतोष मिश्रा के ऊपर डिपेंड करते उनकर कहानी में कितना मनी महाराज फीट बढ़ते रहन और उनका करेक्टर दिहल पर कितना मनी महाराज फीट बढ़ते रहन, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होके वाला भाई इम्पोर्टेंट होके वाला बटे। तो बाकी ये फिल्म में देखी तो स्टार कास्ट में मनी महाराज के साथ बेबी काजल और खुशी झा भी नजर आवेला बाड़ी। तो सब कुछ ए वीडियो में बस इतना ही बटे, आगे बना रही जितना भी अपडेट आई ना नीच तक भोजपुरी रहूँ लोग इनके दे दे। तो हर एक छोट बड़ खबर ही है पर सबसे पहले हमार नजरिया, बाकी हम जी।